हेलो इंडिया, तो कैसे हैं आप लोग? तो मुझे सारी सब्जी कमेंट में बताइए कि कितने सारी सब्जी है जो मैंने काट रखा है यहाँ पे। तो मैं बना रही हूँ डालना, ये सब्जी बहुत फेमस है बिहार में, किसी भी पार्टी भोज इन सब में बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आज मैं वही बना रही हूँ, तो सोचा आप लोग से शेयर कर दूँ। और आज दिन भी कुछ अच्छा ही है, स्पेशल दिन है, रक्षाबंधन है। तो इस तरीके से पहले मैं बहुत सारा सब्जी ले ली हूँ और वो सब्जी आपको दिख रहा होगा। आप ही मुझे कमेंट में बताओ क्या क्या सब्जी है। और साथ में दो तरीके से मैंने चॉप कर लिया है ओनियन को, साथ में कुछ जिंजर और गार्लिक है उसे मैं कूट लूँगी। इस तरह कूटने से इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो कभी भी कूट के ही देना चाहिए। अदरक और लहसुन बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो इस तरीके से मैं पहले सारा प्रिपरेशन कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है खाना बनाना या सब्जी बनाना कुछ भी। तो इस तरीके से पहले आप लोग सब कुछ प्रिपेयर कर लो, उसके बाद गैस जलाओ या फिर किचन में सब कुछ करना शुरू करो। तो यहाँ मैं ली हूँ 3-4 सूखी मिर्च ले ली हूँ और साथ में मस्टर्ड ऑयल। सब्जी इस तरीके की सब्जी हमेशा मस्टर्ड ऑयल और नहीं तो देसी घी में बनाना चाहिए। वैसे घी इतना आप प्रेफर नहीं कर सकते हो हर सब्ज़ी में, तो मस्टर्ड ऑयल। और यहाँ पे मैंने ले लिया है चौक में सब कुछ, लाइक गरम मसाला वो भी खड़ा वाला, और तेज पत्ता और जिंजर गार्लिक का जो कूटा था मैंने पेस्ट वो, और साथ में ओनियन को मैं सॉटे कर रही हूँ। और तब तक करना है जब तक ये हल्का सा ओनियन आपका ब्राउन ना हो जाए, उसके बाद सारी सब्जी इसमें डाल दूंगी और फुल आंच करके इसको अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि इसमें अभी पानी नहीं है, सिर्फ तेल है। तो जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, गोभी ब्राउन ना हो जाए, परवल ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसे चलाते रहना है इसी तरीके से। और जब तक मेरा सब्जी फ्राई हो रहा है, तब तक मैं और आयु कर रहे हैं, ये मेरा सबसे फेवरेट जूस है, इसे मैं कर रही हूँ इंजॉय। तो आयु को मैंने कम वाला दिया है, मैंने ज़्यादा वाला लिया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और साथ में मैं यहाँ फ्राई करते करते डाल रही हूँ भर के 1 चम्मच बटर, बटर या फिर देसी घी भी ले सकते हो, इससे बहुत अच्छा इस डालना में टेस्ट आएगा। तो ये बहुत फेमस है, आई थिंक ये उड़िया का भी डिश है, लेकिन ये बिहार में भी बहुत बनाया जाता है। हम लोग बहुत खाते हैं इस डिश को किसी भी पार्टी फंक्शन में। हलवाई एक डिश ये तो बनाता ही है। और साथ तो जितनी भी सब्जी हो घर में आप सब ले सकते हो। और साथ में मैं 2 चम्मच जो है यहाँ पे चना डाली हूँ, 2 ही चम्मच डाली हूँ, ज़्यादा नहीं, बस फ्लेवर के लिए। उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और फिर सारा मसाला, लाइक हल्दी यहाँ पे डाला है मैंने, थोड़ा सा धनिया पाउडर भर के 1 चम्मच, आमचूर डाला है और मटन मसाला 2 चम्मच डाली हूँ, क्योंकि ये सब्जी में अगर चिकन मसाला मटन मसाला डालो तो सब्जी बहुत टेस्टी बनता है, नहीं तो अब सिलबट्टे पे मसाला पीस के डालो तो सिलबट्टे पे मसाला पीसना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ सिलबट्टा नहीं है तो मैं नहीं पीस सकती हूँ। लेकिन गांव में जब भी बनाती हूँ तो हमारी हाउस हेल्पर पीस देती है मसाला, पीसना तो नहीं चाहती है पर मैं पिसवाती ही हूँ, क्योंकि वो उसका टेस्ट और फ्लेवर ही बहुत अलग होता है। तो जब सब्जी थोड़ा सा फ्राई हो गया है तो मैं इसमें डाल दी हूँ टमाटर, 1 बड़ा टमाटर काट के, और उसके बाद ढक ढक के इसे फ्राई कर रही हूँ। 1 टमाटर इनफ है क्योंकि मैंने यहाँ पे आमचूर भी 1 चम्मच भर के डाला है। तो इस तरीके से ये फ्राई ही हो रहा है, अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, पानी अब डाल रही हूँ। थोड़ा सा गर्म कर लिया है पानी को, तो पानी को आप गर्म करके ही दो सब्जी में, सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो इस तरीके से हल्का सा पानी डाल के और फिर से मैं इसे ढक के पकाऊँगी। तो इसे इसी तरीके से पकाना है ढक ढक के, और जब ये पूरा पानी सूख जाएगा फिर इसे बंद कर दूंगी। तो यहाँ डाल रही हूँ मैं तब तक पानी के बाद जो मैंने चॉप किया था ओनियन, और थोड़ा सा यहाँ पे कश्मीरी मिर्च है कलर के लिए, ये तीता नहीं होता है तो इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद धनिया पत्ता है तो धनिया पत्ता, नहीं तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। और फिर इस तरीके से थोड़ा सा गर्म मसाला, और फिर इसको अच्छी तरीके से ऐसे ढक ढक के पकाना है, चलाना है। तो बहुत ही अच्छा ये इस तरीके से इसका ये गल भी गया है, सारा गोभी वोभी सब फ्राई करते करते गल गया। तो ये अभी देखने में इसका टेक्सचर ऐसे लग रहा है, लेकिन जब ये बन जाएगा तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे फ्राई करते करते इसके सारे पानी को मैंने सुखा लिया है, तो देखिए इस तरीके से रेडी हो गया है। तो इस तरीके से ही ये डालना बनता है। और कभी कभी इसमें दो तरीके से बनता है, इसमें थोड़ा सा लिक्विड भी होता है, मैंने पानी जला दिया है। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गुड़ पाउडर, आप चीनी भी डाल सकते हो, घर में आपको
जेगरी नहीं है तो मैं यहाँ पे था अवेलेबल, तो मैं वही डाल रही हूँ। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लास्ट में डालना है क्योंकि यहाँ पे कद्दू है, लाइक कदीमा पंपकिन जिसे बोलते हैं। तो बस आज जो है यही था आज का डिश, तो सोचा आप लोग से शेयर कर लूँ। और आज है रक्षाबंधन, तो आज एक्चुअली 1:30 बजे टाइमिंग थी, तो खाना भी मैंने बहुत लेट बनाया, इसीलिए मैंने वीडियो भी बनाया। और मैं एक्चुअली खाना अपने आयु को भी जब ही खिलाई हूँ, जब हो गया है टाइमिंग और उसने राखी बांध लिया है, उसकी दीदी रांची से राखी भेजी थी उसके लिए, तो वो बांधा है। उसके बाद पति बाबू बांधे हैं। जो एक फ़नी बात बताऊं, हुआ क्या कि वो फ़ोन पे बात कर रहे थे और मुझे हाथ अपना लेके दे दिए कि चलो राखी बांधो। सोची चलो आज भैया भी बना ही लेती हूँ, तो कुछ ऐसा फ़नी मोमेंट भी हुआ। पर हाँ ठीक है, ये सब होता रहता है। तो इस तरीके से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, आप लोग के भाई की आयु बहुत बढ़े, बहुत सक्सेस हो और सब बहन की रक्षा करें।